हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 16 अप्रैल 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू और पीएबी की इम्पोर्टेंट न्यूज है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम 15 और 16 जो अप्रैल की इम्पोर्टेंट न्यूज है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके साथ हम कुछ स्कीम्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज और कल के न्यूज पेपर में इतनी ज्यादा न्यूज वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वो है नेम्स मिशन के बारे में, NAMES मिशन। यह एक्चुअली नासा का एक मिशन है, तो ये चीज पहली बात तो हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। है क्या मिशन? यह मिशन है वो है नॉर्थ एटलांटिक एरोसोल एंड मरीन इकोसिस्टम स्टडी। मतलब नॉर्थ एटलांटिक वाले एरिया में एक्चुअली मरीन इकोसिस्टम की स्टडी के लिए इस मिशन को नासा के द्वारा चलाया गया है। अब क्या एम है वो भी हम देख लेते हैं, मोटो क्या है इसका। देखो, बात ऐसी है कि जो नॉर्थ एटलांटिक ओशन है ना, उसमें कुछ हिस्सा साइलेंट है। मतलब साइलेंट का मतलब है कि वहाँ पर लहरें वगैरह कम होती है, तो उसकी वजह से क्या है कि वहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन जो घास होती है ना, इसका क्या है काफ़ी एरिया कवर कर लेती है। मतलब घास ही घास हो जाती है उस वाले एरिया में ऊपर। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो क्लाइमेट होता है, हमारा जो सीजन होता है ना, उसी पर इफेक्ट पड़ता है। तो उसकी स्टडी को करने के लिए नासा के द्वारा मिशन चलाया गया। अभी वो कई बार क्या होता है कि जो घास के जो है एरिया है ना, ये कई बार क्या सडनली बढ़ने लग जाता है। इसमें फाइटोप्लैंक्टन ना ये बूम पे आ जाते हैं, मतलब इनका एरिया कवरेज है वो लगातार बढ़ने लग जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ता है, बारिश वगैरह पे, इन चीज़ों पर। तो जो फाइटोप्लैंक्टन बूम होता है उसकी स्टडी को करने के लिए कि भाई कैसे है वो हमारे जो क्लाइमेट है उसको इफेक्ट कर रहा है, उन सब बातों को ध्यान में, उन सब बातों को देखने के लिए नासा के द्वारा मिशन है वो चलाया गया है। और ऐसा पहला मिशन है ये जो कि इस तरीके का काम कर रहा है, मतलब फाइटोप्लैंक्टन जो बूम है उसकी स्टडी करने के लिए पहला ऐसा मिशन है वो चलाया गया नासा के द्वारा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है लाफेर कर्व के बारे में। तो लाफेर कर्व है वो हमें ध्यान रखना है कि किस किस के बीच में, यूपीएससी ये कई बार डायरेक्टली पूछ लेती है। तो लाफेर कर्व है वो टैक्स रेट और इसी के साथ जो गवर्नमेंट को टोटल टैक्स रेवेन्यू होती है, टैक्स कलेक्शन होता है गवर्नमेंट का, उन दोनों के बीच शो करती है। इस कर्व में देखो इसकी शेप आपको बता दूँ कैसे होती है। जैसे ये हुआ तो ऐसे होगा कि यहाँ पे एक सेकंड, स्टार्टिंग में जैसे होगा कि जो जो टैक्स रेट बढ़ेगी तो गवर्नमेंट के पास टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा। बट गवर्नमेंट के पास क्या होगा, एक लिमिट के बाद अगर गवर्नमेंट टैक्स रेट बढ़ेगी तो क्या होगा, रेट कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर ज़्यादा गवर्नमेंट टैक्स रेट बढ़ाती तो रेवेन्यू कम होना शुरू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, जैसे आप इसे एग्जाम्पल समझ सकते हो। जैसे कि स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने टैक्स रेट रखी है कम, जैसे 2% टैक्स रेट रखी तो लोग ठीक है टैक्स दे रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने 3% रखी तो कोई बात नहीं, गवर्नमेंट का थोड़ा रेवेन्यू तो बढ़ जाएगा बट लोग टैक्स पे करेंगे। बट आप वहीं देखो, अगर गवर्नमेंट 4 कर रही है, 5 कर रही है, चलो कोई बात नहीं, लोग देंगे ठीक है। बट अगर आप एक नज़रिए सोच के देखिए, जब गवर्नमेंट ने देखिए टैक्स रेट 50% है, मतलब आपकी जितनी इनकम है उसका 50% तो आपको टैक्स ही देना है, तो कौन लोग टैक्स पे करेंगे? तो ऑब्वियसली टैक्स पेयर की संख्या ही कम हो जाएगी। एक तो जो गिने चुने लोग पे करेंगे वो भी ना के बराबर। तो इसलिए क्या होगा, एक लिमिट के बाद अगर गवर्नमेंट टैक्स रेट बढ़ाती है तो टैक्स की जो इनकम है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू है, वो कम हो जाता है। स्टार्टिंग में अगर एक लिमिट तक बढ़ा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ तक गवर्नमेंट टैक्स रेट बढ़ाया तो वो बात नहीं थी। जैसे कि अभी आपको पता है हमारे देश में मैक्सिमम है वो 30 के आसपास है, कि गवर्नमेंट 30% तक टैक्स रेट बढ़ाती है तो कोई दिक्कत नहीं, लोग मैक्सिमम टैक्स पे करेंगे। इसके बाद अगर गवर्नमेंट 40% 50% बढ़ा देगी तो लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे टैक्स पे की संख्या कम हो जाएगी और गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन भी कम हो जाता है। तो ये लाफिर करो हमें ध्यान रखना है, इकोनॉमी से रिलेटेड है, टैक्स रेट और टोटल टैक्स रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट का, उसके बीच में यह शो करता है। तो ये चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो फिलिप्स कर्व है वो किसको शो करता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है प्रोजेक्ट प्रेडेटर के बारे में। तो देख लेते हैं प्रोजेक्ट प्रेडेटर है क्या। यह एक्चुअली इंटरपोल और वर्ल्ड बैंक के द्वारा चलाया गया एक प्रोग्राम है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी, इस प्रोजेक्ट का है किसके द्वारा चलाया गया, सबसे पहली बात तो ये आती है, क्योंकि बहुत कम ही ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो वर्ल्ड बैंक और इंटरपोल द्वारा चलाया गया। शायद पहला ही ऐसा एक मिशन है जिसमें इंटरपोल ने भी पार्टिसिपेट किया है। चलो आप बताइए कि इंटरपोल है वो यूएन की एजेंसी है या नहीं है। तो इंटरपोल और वर्ल्ड बैंक दोनों ने मिलकर इसको चलाया है। क्या इसका काम, इसका मेन मोटो ये है कि भाई जो बिग कैट्स होती है ना, जैसे कि पैंथर हुआ, लेपर्ड वगैरह, ऐसी जो बिल्लियाँ होती है बड़ी बिल्लियाँ या फिर टाइगर हुआ, इन सब का कंजर्वेशन है उसके ऊपर फोकस करना। ध्यान रखना कि ओनली टाइगर कंजर्वेशन में फोकस नहीं कर रही है, ये फोकस कर रही है जो बड़ी बिल्लियाँ, जैसे आपको बताया कि पैंथर हुआ, चीता वगैरह, इन सब के साथ जो टाइगर है, टाइगर कंजर्वेशन है उसके ऊपर भी फोकस है वो कर रही है। बट मेन फोकस इसका रहेगा भाई टाइगर कंजर्वेशन पर, ये चीज़ है यहाँ पे। और ग्लोबल लेवल के ऊपर चलाया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि केवल किसी पर्टिकुलर एरिया में, ग्लोबल लेवल पर प्रोग्राम है वो चलाया गया। तो अब आपको पता है कि मेनली जो ब्लैक कैट या जो टाइगर्स हैं वो आपको पता है कि साउथ और साउथ ईस्ट एशिया वाले एरिया में ही है मैक्सिमम, और इनकी मैक्सिमम पॉपुलेशन तो वैसे भी इंडिया में ही है। तो इसलिए इस मिशन का जो मेन फोकस है वो इंडिया पे भी रहेगा और इंडिया के आसपास वाले स्टेट जो 13 कंट्रीज हैं उनमें। कौन कौन सी वो कंट्रीज हैं, एक तो बांग्लादेश है, भूटान है, कंबोडिया है, चाइना है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार है, नेपाल है, थाईलैंड है, वियतनाम है और रूस है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, मतलब वो एरिया जहाँ पे जंगली बिल्लियाँ पाई जाती हैं, शेर टाइगर वगैरह पाए जाते हैं, उन वाले एरियों में टाइगर कंजर्वेशन को फोकस करने के लिए इंटरपोल और वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको चलाया गया। तो ये यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो हो जाता है।
नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है मधुबनी पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग। यह एक्चुअली आपको पता है कि बिहार की पेंटिंग है, तो एक तो ये यूपीएससी पूछ सकते हैं, वहाँ मधुबनी एरिया उसमें एरिया में यह पेंटिंग वो की जाती है, तो अभी यह न्यूज़ में थी, तो यूपीएससी मिथिला पेंटिंग से भी पूछ सकते हैं, मधुबनी पेंटिंग दोनों एक ही नाम है, कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो यह पेंटिंग है ना, ये स्टार्टिंग में क्या होता था कि जो गीली मिट्टी की दीवारें होती थी ना उनके ऊपर बनाई जाती थी, बट बाद में क्या हुआ धीरे धीरे इसको जो आजकल कपड़े की पेंटिंग है जो कैनवास पेंटिंग होती है उस पर भी बनाया जाने लग गया। और इसकी थीम क्या होती है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब इसकी जो विषय वस्तु बोलते हैं ना कि भाई किसका मैन की उस आधार को लेके पेंटिंग बनाई जाती है, तो इसकी जो थीम होती है वो होती है कि हिंदू देवी देवता होते हैं ना उनके उनकी पेंटिंग है वो बनाई जाती है। पहले गिल्ली मिट्टी की दीवारों पर बनाई जाती थी और अब ये कैनवास के ऊपर बनाई जाती है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि घर की जो खाली दीवारें रह जाती हैं, जैसे कि किसी दीवार में गेट वगैरह खिड़की वगैरह हो, तो उसके बाद में जो भी दीवार खाली बच रही है उस दीवार के ऊपर एक्चुअली ऐसी पेंटिंग्स हैं वो बना दी जाती हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है मधुबनी पेंटिंग के बारे में, एक दो कैरेक्टरिस्टिक वगैरह यूपीएससी की बार पूछ लेती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है प्रवाद स्कीम के बारे में। तो क्या है प्रवाद स्कीम? देखो सबसे पहले बात बता दूं कि प्रवाद स्कीम है वो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा एक स्कीम है, वो स्टार्ट की गई है। इस स्कीम का मेन मोटो ये है कि हमारे देश में जो अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी लोग हैं, बीपीएल जो लोग हैं ना, मतलब सॉरी वो बीपीएल जो यूथ हैं, उनको एक्चुअली गवर्नमेंट है वो एजुकेशन देगी, स्किल प्रोवाइड करेगी, इसके साथ ही उनको एम्प्लॉयमेंट है वो देगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती है कि भाई जो अल्पसंख्यक तबका जो काफ़ी पीछे रह गया हमारी सोसाइटी में, उसको भी जो बाकी और सोसाइटी का लेवल है उसको इक्वल लाया जा सके, मतलब उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ा जा सके, उनको सशक्त बनाया जा सके, ताकि वो भी अपने आप पे एक तरह से डिपेंड हो जाएं और अपना काम ढंग से कर सके, मतलब ऐसा नहीं हो कि वो सोसाइटी में पिछड़े पिछड़े ही रह जाएं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि उनको सबको लेकर साथ चला जाए, तो सबका साथ सबका विकास वाली बात यहाँ पे है। तो ध्यान रखना कि प्रवाद स्कीम है वो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा है, क्योंकि अल्पसंख्यकों द्वारा नहीं है, ये ध्यान रखना कि जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है वो नहीं है यहाँ पे, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा चला गया ताकि रूरल एरिया में जो यूथ है उसको स्किल वगैरह दी जा सके। कौन सी यूथ को? बीपीएल को। ये चीज़ यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल हुआ है वाईएच मालेगांव कमेटी के बारे में। देखो वाईएच मालेगांव कमेटी वो भी न्यूज़ में थी। वाईएच मालेगांव कमेटी है वो एक्चुअली आरबीआई ने बनाई थी, पहली बात तो ये, किस लिए? ताकि हमारे देश में आपको पता है कि एनपीए की जो प्रॉब्लम है वो अप्रोक्सीमेट 10% के आसपास पहुंच गए बैंकों में, मतलब बैंकों की जितनी प्रॉपर्टी है उसका 10% पैसा तो एनपीए हो चुका है। तो उस पैसे उस हालात से निपटने के लिए भाई कि एनपीए से कैसे निपटना है, बैड बैंक बनाने हैं, क्या काम करना है, बैड लोन वगैरह, वो सारे काम इस वाई एच मालेगांव कमेटी है इसके लिए बनाया गया। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखने की एनपीए से निपटने के लिए इस कमेटी का निर्माण किया गया कि भाई आप बताइए क्या क्या करना है हमें। नेक्स्ट जो आर्टिकल हुआ है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है वो एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम है, मतलब इसमें गवर्नमेंट को स्किल वगैरह नहीं दे रही है, इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी आपको पैसा देगी सब्सिडी पे कि ठीक है आप अपना कोई भी बिजनेस वगैरह वो खोलिए, हम आपको इसे 5 लाख रुपए पे हम आपको कुछ डिस्काउंट दे देंगे कि भाई आपको इतना ही पैसा वो पे करना होगा, मतलब एक तरह से गवर्नमेंट है वो लोन वगैरह प्रोवाइड करवाएगी उसमें डिस्काउंट दे देगी, ठीक है भाई आपको हम 2 लाख का डिस्काउंट दे रहे हैं, 1 लाख का जैसे भी डिस्काउंट है वो गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोवाइड करवाएगी। ये चीज़ ध्यान रखने क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है। किसके द्वारा चलाई गई है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यह चलाई गई है खादी एंड ग्रामोद्योग कमीशन है KVIC के द्वारा, उसके द्वारा यह चलाई गई है। मिनिस्ट्री कौन सी हुआ है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा इस स्कीम को चलाया, इस प्रोग्राम को चलाया गया है। क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली बात तो यही है कि क्या है, क्या चलाया, किसने चलाया है? खादी एंड ग्रामोद्योग जो कमीशन है उसके द्वारा चलाया गया, जो आता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज है उसके तहत, जिसको मतलब मॉनिटर रेगुलेट है वो करेगी। काम क्या होगा इसमें? इसमें काम ये होगा कि गवर्नमेंट है वो जो रूरल एरिया में जो यूथ है उसको एक्चुअली क्रेडिट लिंक पे क्या है सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। मेनली रूरल एरिया की बात नहीं, सभी एरियाज में लोगों को क्या है कि पैसा देगी कि भाई ठीक है अपना बिजनेस खोलिए, हम आपको थोड़ी पैसे में छूट दे देंगे, मतलब टैक्स अगर जब आपको पैसा वापस चुकाना होगा लोन में तो आपको इंटरेस्ट देना है ना, तो उस पर आपको छूट वगैरह देंगे ताकि आप अपना बिजनेस आराम से एक्सपेंड है वो कर सको। तो उसके लिए पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है ये चलाया गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है बोरियल फॉरेस्ट के बारे में। तो क्या होता है बोरियल फॉरेस्ट? एक वर्ड आया था एक दो दिन, तो मैंने इसके बारे में सैटरडे को आया था आई थिंक, तो देख लेते हैं। बोरियल फॉरेस्ट होते हैं मेनली वो फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, अप्रोक्सीमेट 40 से 60 या 40 से 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है पूरी साल भर उनको। देखो ये मेनली जो टेगा और जो टुंड्रा एरिया होता है ना, आपको पता है कि मतलब जहाँ पे बर्फ जमी रहती है, जैसे कि आप हिमालय के आसपास वाला कुछ का, हिमालय के आसपास वाला तो नहीं कह सकते, मतलब जो हिमालय के टॉप वाला जो एरिया है जहाँ पे बारिश बहुत कम ही होती है क्योंकि वहाँ पे हमेशा बर्फ और जमी रहती है, इसके साथ ही जो पोलर साइड होती है वहाँ पे टेगा वनस्पति पाई जाती हैं, तो उस वाले एरिया में आपको पता है बारिश बहुत कम होती है, क्योंकि बारिश होने के लिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि ह्यूमिडिटी होनी चाहिए और वो भी कब, टेम्परेचर भी होना चाहिए, तो वहाँ पे टेम्परेचर नहीं होता है ना, इसकी वजह से बारिश वहाँ पे कम होती है। तो वो लो रेनफॉल वाला एरिया होता है टेगा वाला, उस वाले एरिया को एक्चुअली बोरियल फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है क्योंकि वहाँ पे जो वनस्पति होती है वो टेगा
मैं टुंड्रा जैसी वनस्पतियां होती हैं। इसके साथ ही इंपॉर्टेंट बात है उसके फीचर्स क्या है। एक तो देखो वहाँ पे जो उपजाऊपन होता है ना, जो फर्टिलिटी की होती है जमीन की, वो बहुत कम होती है क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसा मिल ही नहीं पाता उनको, खाद वगैरह मिनरल्स वगैरह, तो इसलिए वो दिक्कत होती है। इसके साथ ही वहाँ पे जो स्पीसीज होती हैं उनकी वेरायटी वो भी बहुत कम होती है, मतलब वहाँ पे जो स्पीसीज रिचनेस है वो बहुत कम होती है। तो ये दोनों फीचर्स हमें ध्यान रखनी है कि बोरियल फॉरेस्ट कौन से होते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि जहाँ पे कम बारिश होती है कौन से वाले एरिया की कम बारिश, ये मैंने टेगा और टुंड्रा वाले एरिया, क्योंकि वहाँ पे उपजाऊपन भी बहुत कम होता है और वहाँ पे स्पीसीज है उनकी जो वेरायटी है वो भी कम होती है। ये दोनों दो तीन फीचर्स आप ध्यान रखना, यूपीएससी के बारे में पूछ सकते हैं बोरियल फॉरेस्ट के बारे में, कि बोरियल फॉरेस्ट दे देगी फिर नीचे दो तीन स्टेटमेंट दे देगी, तो आपको वहाँ पे चूज वगैरह करना हो सकते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो एक सेकेंड, हाँ नेक्स्ट आर्टिकल वो है एंटी नॉन कॉरपोरेशन एसोसिएशन के बारे में। देखो असहयोग आंदोलन चलाया गया था आपको पता है 1920 के टाइम पे, ये मैनली वर्ल्ड हिस्ट्री का पॉइंट है, असहयोग आंदोलन था 1920 में। तो उस टाइम पे असहयोग आंदोलन के विरुद्ध में भी एक आंदोलन चला दिया गया था भाई कि आप असहयोग आंदोलन है उसको बंद कीजिए, मतलब एंटी असहयोग आंदोलन है वो चलाया गया था उस टाइम पे, तो उसके बारे में। तो ये आपको थोड़ा बता दूं, देखो 1920 में असहयोग आंदोलन वो नॉर्मली चलाया गया था आपको पता है, इसके बाद में इसमें खिलाफत मूवमेंट को भी ऐड कर लिया गया था ताकि गांधी जी ने सोचा था कि भाई गति और ज़्यादा मिले और अंग्रेजों के खिलाफ हम एक साथ मिलकर लड़ाई है वो कर सकें। अब सीन क्या हुआ था आपको पता है कि मुंबई में उस टाइम पे व्यापारी लोग होते थे काफ़ी, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह चल रही थी, तो उनको ऐसा डर लगने लग गया कि भाई अगर ये मूवमेंट और ज़्यादा हिंसक या ये जो मूवमेंट चला गया है गांधी जी के द्वारा, अगर ये और ज़्यादा बढ़ने लग गया ना, तो जो वर्कर्स हैं ना हमारी फैक्ट्री वगैरह में काम कर रहे हैं ये वर्कर्स भी क्या करेंगे, ये भी हड़ताल वगैरह करना शुरू कर देंगे, तो जिससे उनको जिससे व्यापारियों को लॉस हो सकता है। तो इसलिए व्यापारियों ने क्या किया, असहयोग आंदोलन का विरोध करना शुरू कर दिया ताकि वर्कर्स हैं वो छुट्टी पर ना जाएं और मतलब वर्कर्स हैं वो हड़ताल करना शुरू ना कर दें जिससे उनको भी लॉस है वो हो जाए। तो इसलिए श्रमिकों के द्वारा हड़ताल जो होती थी उस हड़ताल को रोकने के लिए ताकि वो असहयोग आंदोलन में ना जाएं, उनके लिए एंटी असहयोग आंदोलन है वो चलाया गया था, एक एसोसिएशन बनाई गई थी एंटी असहयोग को एसोसिएशन के नाम से 1920 में, और 1921 में मैंने लिए हुआ था। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान रखने, हुआ कहा था मुंबई में, किसने किया था, मुंबई में जो ट्रेडर्स जो व्यापारी लोग होते थे उनके द्वारा किया गया था। मोटो यही था कि भाई असहयोग आंदोलन की जो चिंगारी है वो श्रमिक वर्ग को प्रभावित ना करे, इसलिए उनको दूर रखा जा सके, तो इसलिए सारा काम हो किया गया था। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, देखो फिलहाल की डिस्कशन तो यही है। तो आज एक दो क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी कार्यक्रम के बारे में, प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी कार्यक्रम। इसमें दो स्टेटमेंट हैं आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट तो ये है कि जो माध्यमिक स्तर पर जो 14 से 18 साल की आयु वर्ग की जो लड़कियां होती हैं उनका नामांकन बढ़ाने के लिए, मतलब उनका स्कूल में इनरोलमेंट बढ़ाने के लिए इस स्कीम को लाया गया है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है वो है उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली जो इच्छुक छात्राएं हैं जो फीमेल लड़कियां हैं उनको एक्चुअली शैक्षिक ऋण है वो प्रोवाइड कराया जाएगा, मतलब उनको एजुकेशन लोन है वो दिया जाएगा। दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है? देखो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि हायर एजुकेशन में लड़कियों को एजुकेशन लोन देने के लिए स्कीम को गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट है वो किया गया, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आया है एक्चुअली साइक्लोन के बारे में। क्वेश्चन स्टेटमेंट दोनों ध्यान से सुनना। पहला स्टेटमेंट ये है कि जो उष्ण कटिबंधीय जो साइक्लोन होते हैं, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात की जा रही है, उसमें फ्रंटियर मतलब वातावरण का निर्माण है वो होता है, जबकि जो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं उसमें फ्रंटल का निर्माण नहीं होता, मतलब उसमें साइक्लोन उसमें जो वातागर है उसका निर्माण नहीं होता। ये तो है पहला स्टेटमेंट। दोबारा बोल देता हूँ, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में वातागर का निर्माण होता है, और इसके साथ ही है वो है कि शीतोष्ण कटिबंधीय जो साइक्लोन होते हैं उसमें फ्रंटल का निर्माण है वो नहीं होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट यह है कि उत्तरी गोलार्ध के अंदर एक्चुअली जो उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं ना उनकी डायरेक्शन है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट ये है, उत्तरी गोलार्ध में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। तो अब आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो आपको पता है कि मेनली ट्रॉपिकल साइक्लोन, मतलब जो इक्वेटर के आसपास वाले एरिया, मतलब इंडिया में जो साइक्लोन आते हैं तमिलनाडु वाले एरिया में होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो आपको पता है कि उनमें फ्रंटल तो बन ही नहीं सकता, फ्रंटल तो आपको पता है कि मेनली शीतोष्ण वाले में बनता है। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट तो आप आँख बंद करके गलत है वो कर देना। दूसरी ही बात दूसरे स्टेटमेंट की, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, उत्तरी गोलार्ध में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है उसकी डायरेक्शन पश्चिम से पूर्व होती है, बिल्कुल सही है। ये देखो शीतोष्ण कटिबंधीय आपको बता दूं, जब इंडिया में सर्दियों में जब बारिश होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आता है वो इसी वजह से तो आता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर गति करता है, तो ही तो इंडिया में बारिश होती है। तो दूसरा एस्टिमेट बिल्कुल सही है, वो हो जाता है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को आराम से सोल्व है वो कर सकते हैं। चलो एक हिस्ट्री का क्वेश्चन आप वो बताइए कमेंट बॉक्स में, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में उसके बारे में, तो ये बताइए कि सबसे पहले इसका जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था इसको लेके कौन आया था,
लॉर्ड जो लिटन लेके आया था, लॉर्ड रिपन लेके आया था, किस कौन तो इसको लेके आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, और फिर किसने इसको बैन है वो वापस किया था, मतलब किसने इस एक्ट को हटा दिया था, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, काफी इंपॉर्टेंट है वो, बहुत बार ये न्यूज में आता है, इस बार तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है ग्लोबल एटमोस्फेयर वॉच प्रोग्राम के बारे में। ग्लोबल एटमोस्फेयर वॉच प्रोग्राम है, इसके बारे में आपको बताना है कि क्या यह यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का एक कार्यक्रम है, भले वापस बोल रहा हूँ, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम क्या क्या यह एक पार्ट है या कार्यक्रम है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि यह जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उसमें जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट है वो देता है। तो दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि इसको अभी हमने रिसेंटली डिस्कस है वो किया था। तो ये तो थी देखो आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही, और आज अगर हो सका तो कुछ स्कीम्स वगैरह हैं उनको हम रिवाइज है वो कर लेंगे।